कि ये आदिवासियों को क्यों दे रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को क्यों दे रहे हैं। सुन ले मैडम, प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डाले कहां डालूंगा। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए। ये कांग्रेस है जिसने मेरी गरीब आदिवासी बहने, जो सबसे पिछड़ी जनजातियों में आती है, कहते हुए दर्द और तकलीफ होती है, दर्द होता है तकलीफ होती है, इनने बेगा भारिया सहरिया तीनों के खाते में 1000 डालते थे हम 2017 से। बेगा भारिया और सहरिया गरीब बहनों के पैसे बंद करने का पाप अगर किया आहार अनुदान के, तो कांग्रेस ने किया। कौन ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया? संबल योजना बंद कौन ने की? कांग्रेस ने बंद की। हम जूते चप्पल पैर में पहनाते थे इसलिए कि नंगे पांव अगर कोई बहन तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी और उसके पांव में कांटा चुभता था तो वो कांटा हमारे कलेजे में चुभता था। लेकिन हम अब पांव में चप्पल पहना रहे हैं तो तकलीफ उनके सीने में हो रही है, उनके मन में हो रही है, उनको जूते चप्पल पहनाना अच्छा नहीं लग रहा। और इसलिए कमलनाथ जी ने जब सरकार में आए तो मेरे गरीब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के पांव में जूते चप्पल पहनाना बंद कर दिया, पानी की कुप्पी देना बंद कर दिया, साड़ी देनी बंद कर दी। अब हम दे रहे हैं तो तकलीफ हो रही है कि आदिवासियों को क्यों दे रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को क्यों दे रहे हैं। सुन ले मैडम, प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी, हम सम्मान भी देंगे और सामान भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डाले कहां डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डल रहा तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीने ही छीना। पैसे डलेंगे, लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ हो गई है। जैसे जूते चप्पल देना बंद कर दिया था, जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, जैसे बेटियों की शादी बंद कर दी, पैसे ही नहीं दिया, और जैसे बेगा भारिया सहरिया बहनों का पैसा बंद किया था, वैसे कांग्रेस अब लाडली बहना योजना बंद करने की तैयारी कर रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं प्रदेश की बहनों को, इनके इरादे देख लीजिए। ये तो बहन विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है। यही है जिन्होंने सिद्धानु सोलंकी जी, स्वर्गीय सिद्धानु सोलंकी जी और जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जनता को सावधान रहने की जरूरत है।